उखड़ जाएगी। हाँ, तब मैं इसके साथ सोई। मैं एक विधवा हूँ, देख रहे ना आप लोग, ना मांग में सिंदूर है, ना हाथ में कुछ है, ना गले में मंगलसूत्र है। मेरे पति को खत्म हुए 1 साल से भी ऊपर हो गया, लेकिन मैं 7 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। मेरे पेट में 7 महीने का बच्चा है। मैं जानती हूँ कि ये सब गलत है। समाज मुझे क्या कहेगा कि एक विधवा के पेट में बच्चा कैसे हो सकता है? लेकिन मैं उनको क्या बताऊं कि ये बच्चा किसका है, जिसको लोग इतनी इज्जत की नजरों से देखते हैं, लेकिन वो इतना गंदा इंसान है। अगर मैं बताऊंगी तो कोई नहीं मानेगा इस बात को। क्या बताऊं, ये तो सच है कि मेरे पेट में 7 महीने का बच्चा है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? एक विधवा के पेट में बच्चा कैसे आ सकता है? वो आपके पीछे कौन है जो सकल छुला? यही है कमीना, ये मेरा जीजा है, ये जीजा है मेरा, और मैं इसकी बातों में आ गई। इसको तो लोग ठाकुर भानु प्रताप इसको से जानते हैं। इसको कहते हैं लोग, क्या बताऊं मैं क्या कहते हैं, आप सब लोग जानते हैं इसको। तो इसको ठाकुर भानु प्रताप है ये। लोग इतनी इज्जत की नजरों से देखते हैं। ये वो ठाकुर नहीं है जो ठाकुर हुआ करते थे। ये वो ठाकुर नहीं है। ये इतना गंदा इंसान है, इतना गंदा इंसान है कि जितने भी गंदे शब्द यूज किए जाए, इस्तेमाल किए जाए, वो भी कम है। इसको नाम नहीं देता, मेरे बच्चों को अपना नाम नहीं देता। मैं इसकी बातों में आ गई थी। हाँ, तुझे इस बच्चे को नाम देना होगा। बच्चे को नाम देना होगा? हाँ। किस करने से बच्चा हो जाता है ना, है? अभी बताता हूँ, देख बता जाए। क्या है ये, तेरा बच्चा ही है? डामा कर रही है तेरे से, बेवकूफ समझ रही है, दुनिया को उल्लू बना रही। तू विधवा है, बताइए अब। हेलो, आपसे बात कर रहे हैं ना, फोन बंद कीजिए भानु प्रताप जी। ये आपकी कौन लगती है? साली है मेरी, है जेठ की छोटी साली है। हाँ, तो इसके पेट में अभी तो बच्चा था ना, आपके पेट में बच्चा मर गया। लेकिन ये भी सच है ना, ये तो तुम मानो इस बात को कि 1 महीने का बच्चा मेरे पेट में है, ये मानो। मैं कैसे मान लूं इस बात को? क्या प्रूफ है तेरे पास ये बच्चा मेरा ही है? बोलेगी, मुंह बंद हो गया। क्या प्रूफ करूं मैं, क्या दिखा सकती हूं मैं, क्योंकि तुम्हारे लिए कोई मानने के लिए तैयार नहीं। तुम तो बहुत इज्जतदार बने फिरते हो, मैं तुम्हारी अगर चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आती, अब मैं इस बच्चे को किसका नाम दूं? तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मुझे क्या मालूम तू किसके साथ सोई, किसके साथ बैठी? तमीज से बात करो, तमीज से। किसके साथ? तुम्हें अच्छी तरह से पता है, तुम्हें अच्छी तरह से है मेरा नाम। हाँ, वही तो कह रही हूँ मैं, ठाकुर भानु प्रताप है तेरा नाम, है ना? तूने लोगों की नजरों में ना धूल झोंक रखी है, लेकिन ये नहीं पता तू कितना गंदा आदमी है। क्या तेरे बच्चे? ये रहे तेरे बच्चे, बच्चे है ना, बड़े मजे से पेट में पाला। कहाँ है तेरा बच्चा? कहीं नहीं दिख रहा मुझे तो, दिखा ना। बच्चा तो नहीं दिख रहा तेरा, लेकिन ये पता है? ये तू भी अच्छी तरह से जानता है कि मैं तेरी बातों में आई हूँ और मैं 1 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। तो तेरे पास दिमाग नहीं था क्या? दिमाग नहीं था तो तू तेरी बात में, तू तो मेरे से बड़ा है ना, तूने मेरे को कैसे फुसलाया? हस्बैंड को जब आपके मरे हुए 1 साल हो गया, तो इस गंदगी को क्यों पाल कर रखे अपने पेट में? मैं इसकी बातों में आ गई थी। क्या बोल रहा था ये? कि मैं तुझे रखूंगा, अब तेरा पति नहीं है, क्या करेगी? तेरे बच्चे मैं पालूंगा, इसने ये कहा। और मुझे भी जरूरत है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है ना। तेरे पास क्या है? ये देखो, ये ऐसा कहेगा। कुछ शारीरिक संबंध बनाए हो आप? कोई मेरा ऐसा रिश्ता नहीं है। झूठ कह रहा है, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए मैं कुछ बता नहीं सकती। एक बेटा एक बेटी, इसीलिए इस गंदगी को क्या जरूरत है? एक औरत होने का तू फायदा उठाएगी? प्रकाश जी ऐसे मत बोलो, गंदगी नहीं है, गंदगी नहीं है। इसने बोला कि तेरे बच्चे मैं पालूंगा, अब तू किसके सहारे रहेगी? इसने बोला, और मैं इसकी बात
हाथों में आ गई थी। इसने मैंने इसने अपनी बहन को भी, अपने मेरी बहन को भी धोखा दिया और मुझे भी धोखा दिया। ये भानु प्रताप सिंह इतना गंदा आदमी है, इतना गंदा आदमी है कि इसको तो मैं बेनकाब करके रहूंगी। इसको तो मैं इसको तो बेनकाब करके रहूंगी। मैं करके मैं तो तेरे से छोटी थी, जबरदस्ती की थी। तू तो तेरी बातों में आ गई ना। इसने बोला, इसने बोला प्रकाश, इसने बोला कि मैं तेरे बच्चे पालूंगा। इसने बोला क्योंकि मुझे सहारे की जरूरत थी, तब मैं इसके साथ सोई। मेरे पास फालतू पैसा है क्या? तेरे बच्चों को पालूंगा? इसका मेरे इसने मेरे को सिर्फ इस्तेमाल किया। आज सोए हो कि नहीं? सब झूठ बोल रही है ये। झूठ क्या? दोनों में कोई संबंध नहीं है। कोई संबंध नहीं सर, ये मेरी साली है, बस इतना ही बहुत है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। झूठ बोलती है। बोल रहे थे किसकी हो आप, किसकी हो ना? किस करने से बच्चा हो जाता है क्या? नहीं होता है बच्चा, लेकिन किसकी हो ना? क्या नाम है आपका? प्रकाश। प्रकाश, प्रकाश फैला रहे हो ना दुनिया को, क्या बता? जानते नहीं हो मेरे बारे में? डॉक्टर जान जाओगे ना तो सारे डॉक्टर के कंपाउंडर पिछवाड़ में ढुका दूंगा मैं। भी जानते नहीं हो आप मेरे बारे धमकी में दे रहे हो? धमकी? धमकी नहीं दे रहे ना, धमकी देते नहीं है, बस चेतावनी दे रहे हैं। अगर कुछ भी पता लग गया ना कि इस बच्चे का राज क्या है, इस पेट में बच्चा कहाँ से गया, 1% भी मेरे को अगर पता लग गया कि आपका योगदान है उस बच्चे को डालने में, तो आपका तो तेल निकालने को दूर की बात है। प्रकाश बाबू, हो सकता है ये वाला प्रकाश इनके अंदर हो, आपका वाला प्रकाश। वाह, ये ऐसे ही बोलेगा, ऐसे ही गंद बोल सकता है ये, क्योंकि खुद गंदा आदमी है, खुद गंदा आदमी है। अरे भानु प्रताप, तेरे को तो मैं बेइज्जत करूंगी, ये ध्यान रखियो तू। अगर तूने मेरे बच्चों को नाम नहीं दिया तो तेरे को मैं सड़क पे ले आऊंगी, ये जिंदगी में ध्यान रखियो तू। तेरे को कहीं का नहीं रखूंगी, कहीं का नहीं है। क्या चल, साली नहीं होती, साली नहीं होती। तूने अभी मेरा असली रूप नहीं देखा, सिर्फ मैं अपने बच्चों के लिए तेरे साथ हुई, समझे? सिर्फ अपने बच्चों के लिए, क्योंकि मेरे बच्चों को कौन पालेगा? मेरे दो दो बच्चे हैं और तूने मुझे बहकाया, और आज क्या बोलता है तू कि ये बच्चा मेरा नहीं है? अगर तू मेरे बच्चों को नाम नहीं हो तो तेरे को भी बेनकाब करके रहूंगी मैं, ये ध्यान रखियो तू। एक बात तू बिल्कुल सही से बता, तुझे कितने पैसे मिले मुझे बदनाम करने के लिए? ये देखो ऐसा बोल, सही बता, बिल्कुल सही बात बताओ, सही बात बताओ। कोई मैंने कोई झूठ नहीं बोल रही। काम करते हो अच्छी तरह, पैसे लेके लोगों को बदनाम करते हो। अच्छा, हमको ये पता है। अच्छा, आप एक लड़की घटिया किस्म की औरत हो। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब मैं इसे बेनकाब करके रहूंगी। कुछ भी कर सकते हो, जब पैसों को लिए किसी का सोच सकते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो ना। तू अभी किससे गुहार लगा रही? तो प्रकाश बाबू से। वही प्रकाश बाबू तेरे खिलाफ बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, ये तू अच्छी तरह से जानता है, तू अच्छी तरह से जान रहा है कि मैं सच बोल रही हूँ। एक महीने का बच्चा, एक महीने का बच्चा मेरा पेट में है और वो भी तेरा है। मैं जानती हूँ, लेकिन मैं चिल्ला तब जाकर की तू झूठ बोल रहा है, तू झूठ बोल रहा है, और तेरे को मैं बेनकाब करके रहूंगी। प्रूफ ना दिखाऊंगी ना, मत कर, दिखाऊंगी। अच्छा ये सच्ची सच्ची बता, तूने ये बात बोली कि नहीं बोली कि तेरे बच्चे मैं पालूंगा? बोला ना तूने ये बात? कुछ भी नहीं बोला। झूठ बोल रहा है, फालतू पैसा नहीं है मेरे पास। झूठ बोल रहा है, अपने बच्चों झूठ बोल रहा है, क्योंकि शुरू से नहीं, शुरू से ही तू मेरे को देखता था, लेकिन फिर भी मैं इग्नोर करती रही, इसलिए क्योंकि मेरी बहन का घर है। तू इतनी सुंदर, इसलिए कि मैं तुझे देखता था। तू देखता था, तू मेरा फायदा उठाया, और तूने उठाया मेरा फायदा। अच्छा, और अब मैं तेरे को बेनकाब करके रहूंगी। तू क्या सोच रहा है? भानु प्रताप, भानु प्रताप, वाह भानु प्रताप, क्या है तू भानु प्रताप? अरे तेरे को बेनकाब तो मैं करूंगी, दुनिया की नजरों में तो तू धूल झोंकता है। भानु प्रताप नाराज होता है ना, पृथ्वी हिलती है, पृथ्वी। हाँ, तभी तो मैं कह रही हूँ, तभी तो मैं कह रही हूँ। मत कर, कोई बात नहीं, मैं करके दिखाऊंगी। भानु प्रताप को तूने भान देख लिया ना, अच्छा उखड़ जाएगी। हाँ, तुझे कोई बचाने वाला पैदा नहीं होगा। अच्छा, अरे मुझे किसी को जरूरत नहीं सोचेगी, किसी की जरूरत कि नहीं मैं टकराई क्यों भानु प्रताप से? कोई बात नहीं, मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। अगर मैं टकरा भी गई ना तो तेरे को मैं अब बताऊंगी। हाथ मत लगा। हाथ नहीं, हाथ तो मैं लगा। हाथ मैं क्या लगाऊंगी? अगर मैंने हाथ लगा दिया तो खुद मानेगा कि ये बच्चा मेरा है, तू खुद मानेगा। प्रूफ मैं दिखाऊंगी ना, दिखाओ ना, दिखाऊंगी ना मैं प्रूफ, दिखाऊंगी, घर जाओ, दिखाऊंगी, घर में जाओ, खाओ पियो, भानु प्रताप लूटने की कोशिश करो आप। भानु प्रताप सुन ले एक बार और, अगर मैंने भी तुझे अपना बेनकाब नहीं किया ना। अच्छा एक बात होता तो तेरे को तुझे मेरा नाम इतना अच्छा लगता है, बार बार बोल रही भानु प्रताप। ये दुनिया कहती है, ये दुनिया कहती है कि भानु प्रताप जैसा कोई नहीं है, भानु प्रताप जैसा ठाकुर कोई अच्छा, नहीं है। तो प्यार ये नहीं पता, मैं नहीं प्यार करती, मैं तेरे बातों में आई, तूने मेरे को रिझाया, बातों में आया और उसके बाद साथ में सोने चले गए। अपना क्या करती, क्या करती मैं, क्या करती मैं? मजबूर थी, मैं मजबूर थी, मैं बच्चे कौन पालता? प्रूफ हो तो भी आना आप,
जाओ जाओ यहाँ से, जाओ निकलो दो मिनट में। देखता हूँ क्या करें।